हेलो दोस्तों, आज हम बेसिकली बात करेंगे कि सक्सेशन क्या होता है और एकोमोडेशन क्या होता है। हम सक्सेशन एकोमोडेशन के बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे पॉलिटिकल में भी सक्सेशन होते हैं, ज्योग्राफी में भी सक्सेशन होते हैं, सारे सब्जेक्टों में सक्सेशन एकोमोडेशन होते हैं। अपना अपना सब्जेक्ट के हिसाब से डिफरेंट मीनिंग होता है, ठीक है। तो हम बेसिकली यहाँ पे किसकी बात करेंगे, पॉलिटिकल सब्जेक्ट की बात करेंगे कि पॉलिटिकल सब्जेक्ट में सक्सेशन और एकोमोडेशन क्या होते हैं, ठीक है। तो हम इंडिया की सक्सेशन एकोमोडेशन की यहाँ पे बात करते हैं। तो हम यहाँ चलिए आइए जानते हैं कि सक्सेशन क्या होता है, इसके इफेक्ट क्या हो सकते हैं, इसके टाइप क्या होता है। बेसिकली हम ये बात करेंगे इस वीडियो में, एकोमोडेशन के इफेक्ट, कॉजेज और कंसिक्वेंसेस जान लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप पहले तो हम जान लेते हैं कि सक्सेशन का मतलब क्या था, अलग, ठीक है, हिंदी मतलब होता है अलग। तो हम पहले एक चीज पढ़ाने से पहले दो मिनट कुछ और बताना चाहते हैं। डेमोक्रेसी कंट्री है भारत में, ठीक है। तो डेमोक्रेसी कंट्री है और एक जो है किंग है, किंग कंट्री है, ठीक है, मोनार्च जिसको कहते हैं। तो देखो अपना अपना डिफरेंट रूल होता है दोस्तों। डेमोक्रेसी में सबको अपना विचार, अपने इच्छा के अनुसार काम करने का अधिकार होता है। लेकिन जो किंग सिस्टम में कंट्री में होता है, किंग अगर मुस्लिम है तो मुस्लिमों को सपोर्ट करेगा, हिंदू है तो हिंदू को सपोर्ट करेगा, उस पर अपने इच्छा के अनुसार आप काम नहीं करा सकते हो। अगर थोड़ा सा भी इच्छा और अपने अलग होने के बाद ये कटवा देगा, समझे या नहीं समझे। आप एंशियंट का एग्जाम्पल दे सकते हो, पहले के राजा अगर कोई आता था, अगर उसकी बात नहीं मानते कटवा देते थे। लेकिन आज मोदी जी का बात अगर नहीं मानो, धूम का विरोध करो तो मोदी जी कटवा सकेंगे। तो डेमोक्रेसी मतलब फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। तो किंग कंट्री में सक्सेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि किंग अपने से अलग किसी को पसंद ही नहीं कर सकता है, उसके विरोध कोई जाए, क्योंकि कोई उससे अलग हो रहा है तो इसका मतलब उसका विरोध कर रहा है, इसका मतलब उसका सामना करना पड़ेगा, कटवा फेंक देगा आपको। तो किंग में क्या होता है, सक्सेशन का कोई रूप नहीं है। किंग कंट्री में जहाँ किंग का रूलिंग होता है, जहाँ बाप मतलब चलता है, वो हक नहीं होता। डेमोक्रेसी कंट्री जहाँ जनता का शासन चलता है, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, वहां पे एकोमोडेशन और सक्सेशन की बात आती है। तो बेसिकली हम दोस्तों जान गए कि किस जहां गवर्नमेंट डेमोक्रेसी जहां जिस देश में चलेगा वहां पे एकोमोडेशन और सक्सेशन का प्रॉब्लम या फ्यूचर पॉलिटिक्स में होंगे। तो आइए जानते हैं दोस्तों टाइम को बचाते हुए कि सक्सेशन क्या होता है, एकोमोडेशन क्या होता है। तो सक्सेशन का असली मतलब होता है अलग, हिंदी मतलब इसका अलग होता है। तो आइए हम समझ जाते हैं इसका, पहले एक और एग्जाम्पल ले चलते हैं, ठीक है, डिफिनेशन जान लेते हैं सक्सेशन का क्या होता है। तो इज ए विड्रॉवल ऑफ ए ग्रुप फ्रॉम ए लार्ज एंटिटी, मतलब कोई भी चीज एक बड़े चीज से अलग कर दे तो उसी को क्या कहते हैं, सक्सेशन कहते हैं। तो पॉलिटिकल की भाषा में सक्सेशन किसको कहते हैं, आइए देख लीजिए दोस्तों। जो भारत है 1990 में, इंडिया जो है, इंडिया, ठीक है, 1997 से पहले, बिफोर द, इसके साथ इसमें कौन था, पाकिस्तान भी इसके अंदर आता था, मर्ज था, ठीक है, पाकिस्तान, ठीक है, बांग्लादेश, जिसको पहले बांग्लादेश पाकिस्तान के नाम से भी जाना जाता है, ईस्ट वेस्ट नाम से जाना जाता है, दोनों मर्ज था। लेकिन क्या होता है कि पावर के लालच में, जैसे मान लो कि हिंदू में क्या हुआ कि इंडिया में हिंदू मेजोरिटी थी, तो जो पाकिस्तान के मुस्लिम लीग के जो लीडर्स थे वो चाहते थे कि हम प्रधानमंत्री बने, लेकिन ये संभव तो हो नहीं सकता था। क्यों संभव नहीं हो सकता था, क्योंकि पहले हिंदू की मेजोरिटी है भारत में, अभी भी 80% लोग हिंदू हैं, तो पाकिस्तान कभी प्रधानमंत्री नहीं बना सकते थे। तो क्या अगर मुस्लिम नहीं चाहते थे कि देश में बंटवारा हो, लेकिन यहाँ के जो मुस्लिम लीग के लीडर थे वो पावर लालच में, पावर के, वो सोचे कि बंटवारा कर देंगे, अपना अलग कंट्री बना देंगे, जो वहां पे जाके पावर एंजॉय करेंगे, वहां पे प्रधानमंत्री बनेंगे। तो मुस्लिम लीग ने कहा क्या, मतलब पावर पार्टीशन का डिमांड किया, हमको सेपरेट नेशन चाहिए, और क्या हुआ मतलब पाकिस्तान भारत से अलग हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, सक्सेशन हो गया, इसी को अलग हो गया, इसी को पॉलिटिकल भाषा में सक्सेशन कहते हैं। तो पाकिस्तान भारत से अलग हो गया, इसी को सक्सेशन कहते हैं, ठीक है। बांग्लादेश भी अलग हो गया, इसी को सक्सेशन कहते हैं। तो आप बेसिकली मतलब समझ गए होंगे सक्सेशन क्या होते हैं, ठीक है, और डिफिनेशन भी पॉलिटिकल भाषा में समझ गए होंगे। तो पॉलिटिकल भाषा में दो टाइप के सक्सेशन होते हैं, ठीक है, टाइप ऑफ सक्सेशन, ठीक है, कितने टाइप के होते हैं सक्सेशन, कितने टाइप के होते हैं,
कमेंट करिए। दो टाइप के होते हैं, एक्सटर्नल टर्नल और इंटरनल। आइए समझते हैं पॉलिटिकल में, क्योंकि ज्योग्राफी में भी सक्सेशन का अलग मतलब होता है। तो एक्सटर्नल ये हो जाता है सक्सेशन का मतलब, कि देखिए ये जो है एक्सटर्नल में मतलब पाकिस्तान जब भारत से अलग हुआ, पाकिस्तान सक्सेशन फ्रॉम द इंडिया, पाकिस्तान सक्सेशन फ्रॉम इंडिया, तब उसमें क्या होगा, भारत से उसका कोई नाता नहीं था, भारत का गवर्नमेंट का कोई भी अब हक नहीं होगा, पाकिस्तान अब अपना गवर्नमेंट बनाएगी, इसी को सक्सेशन एक्सटर्नल कहते हैं। लेकिन क्या होता है इंटरनल में, क्या होता है सक्सेशन बहुत बेस पे हो सकते हैं, रिलीजियस की बेस पे हो सकते हैं सक्सेशन, कास्ट के बेस पे हो सकते हैं, लैंग्वेज के बेस हो सकते हैं, बिजनेस पे हो सकते हैं, बिजनेस ग्रुप पे हो सकते हैं, बहुत सारे ग्रुप पे हो सकते हैं। तो आइए एक एग्जांपल लिखते हैं इंटरनल सक्सेशन पे एक लैंग्वेज पे, जैसे पंजाब और हरियाणा दोनों एक साथ थे, लेकिन दोनों की डिफरेंट बोली थी, दोनों एक दूसरे से अलग बोलते थे, लेकिन दोनों एक दूसरे से अलग बोलते थे, अब कंट्राडिक्शन उत्पन्न हो गया। और जब कंट्राडिक्शन उत्पन्न होता है तो गवर्नमेंट के पावर, सेंट्रल और पार्लियामेंट के पास पावर है कि आर्टिकल 3 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन से किसी भी बाउंड्री का नाम स्टेट को दूसरे स्टेट में मिला देगी, घटा देगी, बढ़ा देगी, कुछ भी कर सकती है। तो क्या करती है, दोनों लड़ाई होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट पर बात होती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या सोचा कि इन लोगों की लैंग्वेज की बेस पे लड़ाई हो रहा है, पंजाबी पंजाबी बोल रहे हैं, हरियाणा हरियाणी बोल रहे हैं, तो उसने क्या सोचा कि चलो अब हम क्या करते हैं पंजाब हरियाणा को अलग कर देते हैं। अलग करना मतलब अलग, सक्सेशन का मतलब अलग, अलग कराते सक्सेशन है, लेकिन अलग हो रहे, लेकिन वो गवर्नमेंट के सेंट्रल भारत के गवर्नमेंट के अंदर है। तो ये क्या हुआ, सेपरेट तो होने के, उनका रूल एंड रेगुलेशन बनाने का अधिकार तो है नहीं, भारत के अंदर है, भारत की सोवरेनिटी के अंदर है। तो क्या हुआ इंटरनल इसमें कहते हैं गवर्नमेंट के अंदर है, सिर्फ लैंग्वेज के आधार बांट दिए। तो सक्सेशन तो आप समझ गए होंगे टाइप कितने, दो टाइप के होते हैं, एक्सटर्नल इंटरनल सक्सेशन होते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है आप बेसिकली समझ गए होंगे सक्सेशन के आप कितने होते हैं। ठीक है तो अब हम बात करेंगे कि सक्सेशन किस आधार पर हो सकते हैं। तो सक्सेशन का कितने आधार हो सकते हैं, आप खुद सोचो, सक्सेशन का गिनती नहीं है, रिलीजियस के आधार पर हो सकते हैं, कास्ट के आधार पर हो सकते हैं, क्या नाम है, लैंग्वेज के आधार पर हो सकते हैं, इच्छा के बीच के अनुसार पे हो सकते हैं। ठीक है क्या होगा कि मान लो कि एक एक एग्जांपल देते हैं, एक लड़का का इच्छा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब प्राइमरी स्कूल में पढ़े, लेकिन क्या होता है कि उसको इच्छा है कि अब सेंट्रल पहले इंग्लिश मीडियम में पढ़ना था। ठीक है वो इच्छा के अनुसार स्कूल चेंज कर दिया, तो इसको प्रिंसिपल के पास पावर थोड़े कि उसको रोक सकता है, नहीं रोक सकता है। तो उसी लिए सक्सेशन जो है इच्छा के अनुसार भी होता है, कोई इच्छा कर दिया, जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने इच्छा किया कि हम भारत से अलग हो जाएंगे, तो उस क्या होगा बीच के अंदर आता है सक्सेशन। ठीक है दूसरा एक सक्सेशन रिलीजियस के आधार पर भी होता है, मान लो कि हिंदी है, कोई हिंदू धर्म को मानने वाला मुस्लिम धर्म को मानने वाला है, तो दोनों को सेपरेट नेशन भारत प्रोवाइड कर सकती है। रिलीजियस के आधार से देखिए कि हिंदू मुस्लिम अलग हो गया, जैसे पाकिस्तान हो गया, ये हो गया। रिलीजियस कास्ट के आधार पर भी होता है, लैंग्वेज के आधार पर भी, आपको एग्जाम्पल के शुरू समझाए कि हरियाणा पंजाब अलग हो गया, तमिलनाडु अलग हो गया। रिसोर्सेज के आधार पर भी होते हैं, कोई अपने मतलब पानी वानी शेयर करने पे भी हो जाते हैं, बहुत सारे इसके सक्सेशन के कारण बनते हैं। बेसिकली दो कारण इसको आप देख सकते हैं, एक विश के आधार पे, विश के आधार पे मतलब कोई जाना चाहता है, शामिल होना चाहता है, एक आदेश के आधार पे मतलब कोई प्रॉब्लम है, लैंग्वेज के आधार पे, ये तो आप इसको उसको बांट सकते हैं। रिलीजियस का फैक्टर हो सकता है, जैसे पाकिस्तान अलग हो गया। ठीक है आप समझिए ना बेसिकली सक्सेशन क्या, इफेक्ट क्या हो सकता है सक्सेशन का। तो आप देखिए जब पाकिस्तान भारत से अलग होता है तो भारत की बाउंड्री एरिया कम होती है ना, तो क्या होता है डिवीजन ऑफ एरिया हो जाता है, पावर भी कम हो जाएगा, पावर भी रिड्यूस हो जाएगा। भारत में पहले मुस्लिम थे तो संख्या ज्यादा थी, कोई दूसरा देश लड़ता तो सारे मिलकर लड़ते, लेकिन अब क्या हुआ पॉपुलेशन यहां से पाकिस्तान चल गई, तो पावर भी कम हो सकता है सक्सेशन की वजह से, यूनिटी नहीं रहती है। दूसरा क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हो जाता है, आप रिसोर्सेज बहुत सारे हो सकते हैं।
पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, यूनिटी नहीं होती, डाइवर्सिटी होती है, एक दूसरे से लोग दूर हो जाते हैं। जैसे आप एग्जांपल में सोचो ना, भारत पाकिस्तान बंटवारा हो गया तो क्या होगा, लोग लाखों लोग गए, जैसे भारत में भुखमरी हुई, बहुत सारे लोग एक दूसरे लड़ते हुए पॉवर्टी आई। सक्सेशन हमेशा एक नेगेटिव होता है जिससे लोग बंटवारा कर सकते हैं। जैसे आप अपने घर में देखिए, जब आप मम्मी पापा से दूर रहते तो आपको अच्छा लगता है, आपका भाई, आप दो तीन भाई हैं, आप साथ में रहते हैं तो आप देश बदल सकते हैं। लेकिन अलग रहेंगे, अकेले रहेंगे तो आपको कोई भी हर अरे मान लीजिए अकेले है, लेकिन आप चार लोग एक साथ जाओ ना, बुलेट उलट बैठ के बंदूक बंदूक लेके, कुछ नहीं कोई करेगा, डराएगा, चार भाई हैं लेकिन अकेले रहोगे कोई हरका देगा, चार भाई में कोई नहीं बोलेगा। इसीलिए सक्सेशन एक अच्छा चीज नहीं है। लेकिन ये पॉलिटिकल के हिस्सा है, आप सक्सेशन समझ गए होंगे, इफेक्ट भी समझ गए, पावर को रिविजन कर, कॉजेज भी समझ गए होंगे, बीच के आधार पे होता है, कॉजेज के आधार पे होता है, जैसे रिलीजियस के आधार पे भी आप सक्सेशन हो जाते हैं, दो टाइप के इंटरनल एक्सटर्नल होते हैं। अब बेसिकली हम बात कर लेते हैं कि एकोमोडेशन क्या होते हैं, तो आइए हम बताते हैं कि सिमिलरिटी और डिफरेंट बिटवीन एकोमोडेशन और सक्सेशन, फिर हम बात करेंगे सक्सेशन क्या होता है, सक्सेशन और एकोमोडेशन, ठीक है। सिमिलरिटी बिटवीन एकोमोडेशन सिमिलरिटी, मान लो क्या होगा, आप स्टूडेंट हो, ये आपका होम है, आप स्टूडेंट हो, आप स्टूडेंट हो तो क्या करते हो, आप स्टूडेंट हो तो आप होम में रहते हो तो मम्मी पापा से जुड़े हुए हो, लेकिन क्या होता है, एक वक्त आता है कि आप स्कूल जाने लगते हो, जब स्कूल जाते हो तो मम्मी से अलग हो जाते हो ना, जब आप मम्मी से अलग होते हो तो जब आप स्कूल में जाते हो तो मम्मी से अलग होते हो, उसको सक्सेशन कहेंगे, और जब आप स्कूल में जाते हो लोगों लड़कों से मिलते हो तो इसको एकोमोडेशन कहेंगे, समझे, एकोमोडेशन कहेंगे। एक और आप जुदा हो रहे हो और दूसरा और आप जाके मिल रहे हो, वहां पे पावर बढ़ा रहे हो, वहां पे लोगों से मिल रहे हो, एकोमोडेशन होगा। तो आप बेसिकली समझ गए एकोमोडेशन क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल वी आर लिविंग पीसफुली, दिस इज कॉल्ड एकोमोडेशन विदाउट रिकंसिडरिंग द लैंग्वेज, कास्ट, क्रेड, कुछ भी हो सकता है। तो आइए आप बेसिकली समझते हैं एकोमोडेशन क्या होता है, दोनों एक अपोजिट एक दूसरे के, जहां सक्सेशन होगा एकोमोडेशन नहीं होगा, लेकिन जहां लेकिन दोनों एक दूसरे बिना नहीं रह सकते हैं, जहां एक और सक्सेशन होता है दूसरे और एकोमोडेशन होता है, ये समझते हैं। एकोमोडेशन का असली मतलब होता है कि अरेंजमेंट और रीसेटलमेंट, ठीक है, आप समझिए, मतलब एकोमोडेशन को पॉलिटिकल की भाषा में यहाँ पे आप समझने आए हैं, पॉलिटिकल के सब्जेक्ट को समझने आए हैं। तो भारत में जब भारत आजाद हुआ 1947 में, तो भारत बहुत ज्यादा लोग एक साथ रहते थे, मुस्लिम हिंदू सिख ईसाई बौद्ध जैन, ये सारे एक साथ रहते थे। लेकिन एक साथ रहते थे तो अब क्या होता है, गवर्नमेंट ने सोचा है अगर ये सब एक दूसरे को अलग कर दिया जाए कास्ट के आधार पे, जो डाइवर्सिटी है इनके कास्ट में, तो हमारा देश का पावर कमजोर हो जाएगा, एक साथ रहेंगे तो पावर रहेगा। तो इसने क्या किया कि सेकुलरिज्म का व्यवस्था कर दिया, सब भारत सेकुलरिज्म का व्यवस्था कर दिया, मतलब कि सेकुलरिज्म का व्यवस्था कर देता है कि सब भारत में रहेंगे, इसको हिंदी में धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन 25 से 28, भारत में कोई भी धर्म का व्यक्ति रह सकता है, वो अपने धर्म को फॉलो कर सकता है बिना किसी भेदभाव के, एनी पर्सन कैन फॉलो द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ द ओन रिलीजन विदाउट कंसर्निंग द कास्ट सिस्टम, है कोई गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस नहीं करेगा कि आप हिंदू धर्म फॉलो करें, तो आप अपने धर्म को फॉलो कर सकते हैं पीसफुली। तो इसको बनाया गया, ये पॉलिटिकल इसको जोड़ा गया क्यों, एकोमोडेशन करने के लिए। भारत में सारे इतने सारे जात पात थे, मुस्लिम हिंदू थे, तो क्या हुआ, डाइवर्सिटी था। तो क्या गवर्नमेंट ने सोचा कि डाइवर्सिटी में लड़ाई होगा, तो उसने क्या किया, सेकुलरिज्म प्रोविजन बनाता है और क्या करता है, डाइवर्सिटी की यूनिटी बना देता है। इतने सारे लोग डाइवर्सिटी में रहते हैं, डाइवर्सिटी है लेकिन फिर भी भारत में यूनिटी में रहते हैं और एक साथ काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं भारत की जीडीपी बढ़ाने के लिए, भारत की ग्रोथ के लिए। तो जो भारत में पॉपुलेशन है, अलग अलग डिफरेंट टाइप के लोग हैं, वो अब भारत में यूनिटी के रूप में रहते हैं, इसी को एकोमोडेशन कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे
कि डायवर्सिटी में यूनिटी, यही एक एकोमोडेशन का एग्जांपल हो सकता है। आप इसको पॉलिटिकल की भाषा में लिख सकते हैं। भारत में जब आजादी हुआ तो बहुत सारे लैंग्वेज थे जो लैंग्वेज थे और क्या नाम है, बहुत सारे जात पात थे, लेकिन भारत ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म जोड़ के उस सबको एक साथ समूहित कर दिया, एक साथ एक ग्रुप में बांध दिया। बहुत सारे रिलीजियस के बाद एक साथ रहना, उनको वेलफेयर किया, पीसफुली रहने का, हार्मोनी में रहने का बात किया, इसी को एकोमोडेशन कहते हैं। तो आप बेसिकली बात कर सकते हैं कि हम एकोमोडेशन का कितने इफेक्ट हो सकते हैं, कारण क्या हो सकते हैं। कारण तो आप जानते हैं, एकोमोडेशन क्या हो सकता है। मान लो बीस हो सकता है, एग्जाम्पल समझाते हैं आपको कि मान लो कि एक 1959 में शायद अप्रोक्सीमेटली दलाई लामा आते हैं, जो तिब्बत के बहुत बड़े गुरु थे, ठीक है। उन्होंने आते हैं वहां से, चाइना से परेशान होकर भारत में सेटल हो जाते हैं, ठीक है, सेटल हो जाते हैं। तो क्या होता है, जब भारत में सेटल होते हैं तो भारत में उनका, उनके वजह से क्या होता है कि बहुत सारे पावर इंक्रीज होते हैं, लोग उनके साथ आते हैं, तो भारत में डायवर्सिटी बढ़ती है और लोग उनके कल्चर को फॉलो करते हैं, उनके ज्ञान लेते हैं। भारत के लोग बहुत स्पिरिचुअल गुरु रहते हैं, तो भारत में उन्नति होती है। जो एक मोडिशन का एग्जाम्पल है, दूसरे अपनी इच्छा के आधार पर भारत में आके सेटल हुए हैं, और जो जहां सेटलमेंट की बात आती है उसी को एकोमोडेशन कहते हैं। तो आप समझ गए कि एकोमोडेशन कैसे बनता है। 20 के आधार पे भी एकोमोडेशन होता है, जिसको सेटलमेंट कहते हैं। जैसे आप मान लो कि कोई स्टूडेंट है अमेरिका से भारत में आकर पढ़ने लगा संस्कृत, भारत में संस्कृत बहुत पॉपुलर है, तो क्या हुआ, वो भारत इच्छा के आधार पर भारत में आया और अपने डाइवर्सिटी की, कल्चर उसका अलग रहेगा, लैंग्वेज अलग, लेकिन भारत में आके रह रहा है, पीसफुली रूप से रह रहा है, एक साथ भारत के लोगों के साथ रह रहा है। ये एकोमोडेशन का एग्जाम्पल है, पॉलिटिकल का भी एग्जाम्पल है, तो आप समझ गए होंगे। दूसरा, इस कॉजेस के आधार पर मान लो कि कहीं किंग रूल है, मान लो पाकिस्तान किंग रूल, वहां पे मुस्लिम के साथ हिंदू, वहां पे जो पाकिस्तान उनके साथ अत्याचार हो रहा है, तो क्या होगा कि वहां के लोग सोचेंगे कि चलो अब क्या करते हैं, भारत में चलते हैं, वहां पे रहेंगे। तो क्या होता है, वहां के गवर्नमेंट के आधार पे भी एकोमोडेशन और सक्सेशन होता रहता है। गवर्नमेंट अच्छा करेगा तो एकोमोडेशन होगा, गवर्नमेंट खराब रहेगा तो सक्सेशन होगा पॉलिटिकल में। तो आप समझ गए होंगे कि सक्सेशन एकोमोडेशन क्या होता है, बेसिकली वो हम सोचते हैं। तो लास्ट में एक और एग्जाम्पल देते हैं कि सक्सेशन का सबसे बड़ा उदाहरण है पाकिस्तान का पार्टीशन और एकोमोडेशन का, जो हमारा लैंग्वेज कास्ट सिस्टम, बहुत सारे लैंग्वेज है भारत में, बहुत सारे कास्ट हैं, लेकिन एक साथ में, और आजकल चाइना को भी हम लोग टक्कर देते हैं और एक मिसाल पैदा करते हैं पूरे देश में, इतने सारे कास्ट सिस्टम अलग होने के साथ एक साथ वर्क करके अपन GDP को बढ़ाते हैं। सोचो कि उस समय हमारा भारत इतनी पॉवर्टी थी, गरीबी थी, लेकिन आज देखो भारत अमेरिका और चाइना को भी टक्कर दे रहा है। किसकी वजह से, डायवर्सिटी होने के बाद भी यूनिटी है जो टक्कर दे रही है। इसी को एग्जांपल देख सकते हैं एकोमोडेशन में, पॉलिटिकल सब्जेक्ट में। तो आप, हम होप करते हैं सक्सेशन और एकोमोडेशन आप समझ गए होंगे, इसके कारण इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग को अच्छे से समझ आया होगा, जो नहीं समझ आया होगा आप तो कमेंट कर सकते हैं, मैं दोबारा कोई नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा। और मैं इसे सक्सेशन एकोमोडेशन का एक वीडियो और इसके पे एक और वीडियो लाऊंगा, जिसमें बहुत सारे एग्जांपल जानूंगा और कौन देश आजाद सक्सेशन हुआ, अब कोई देश कौन राज्य का भारत में मिला, मैं उसकी बात करूंगा। एक और एग्जांपल एकोमोडेशन का आपको दे देता हूँ। भारत में 545 स्टेट शायद थे, तो 545 स्टेट थे, तो क्या हुआ, जब भारत आजाद हुआ तो फ्री थे कि पाकिस्तान को ज्वाइन कर ले या इंडिया को ज्वाइन कर ले, ठीक है। तो क्या हुए, भारत को मतलब इंडिया में मर्ज हो गए। ये भी एक एग्जांपल है किसका, एकोमोडेशन का, ठीक है। आप लोग बेसिकली करते हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।